हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज के ऊपर। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, फिबोनाची सीरीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें काफी दिक्कत आती है, तो इसी वजह से इस लेक्चर के इनसाइट में आपको फिबोनाची सीरीज के बारे में बताऊंगा भी कि क्या होती है, और साथ ही साथ एक प्रोग्राम बनाकर समझाऊंगा भी कि हम जावा में फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोडेस। स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज के ऊपर। बहुत आसान है, फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज कहती है कि जो नया नंबर बन रहा है वो प्रीवियस टू नंबर का सम है। मान लीजिए कि टू नंबर जो है, एक नंबर मैंने जीरो लिया और इस नंबर को मान लीजिए कि मैं N1 में स्टोर कर देता हूं। एक और नंबर ले रहा हूं मैं वन, सपोज ये दो नंबर ले लिए, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। मैंने जीरो और वन ले लिया और मैंने आपसे कहा कि आप फाइव नंबर की एक फिबोनाची सीरीज बनाइए। तो देखिए कैसे होगा, जीरो प्लस वन कितना होता है वन, तो नया नंबर क्या बनेगा वन, यानी कि जीरो और वन तो ऑलरेडी था, अब नया नंबर क्या बन गया वन। अब होगा ये कि ये नंबर हो जाएगा पहला और अब ये नंबर हो जाएगा दूसरा, तो वन और वन यानी कि अगर मैं 1 प्लस 1 करता हूं तो क्या बनता है 2, तो अब अगला नंबर क्या बनेगा 2 बनेगा। अब पहला नंबर ये हो जाएगा और दूसरा नंबर ये हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, यानी कि 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है, तो अगला नंबर क्या होगा 3। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर की फिबोनाची सीरीज है और इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्राम के बेसिस पे बनाने वाले हैं अभी। तो लास्ट मोमेंट तक अगर इस लेक्चर को वॉच करते हैं आप, तो डेफिनेटली प्रोग्राम के बेसिस पे भी आप फिबोनाची सीरीज बना पाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। हमने यहाँ पर क्लास बनाया, क्लास का नेम दिया मैंने फिबोनाची एग्जांपल, और इस क्लास को मैं डिफाइन कर देता हूं। एग्जीबिशन के लिए हमें मेन मेथड बनाना पड़ता है, तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां लिखा मैंने स्ट्रिंग args, और इसको मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर जैसा कि अभी आपने देखा उसी तरीके से मैं यहां पर N1 एक वेरिएबल लेता हूं, इसमें मैं जीरो डाल देता हूं, फिर N2 एक वेरिएबल लेता हूं, इसमें मैं वन डाल देता हूं, यानी कि एक वेरिएबल लिया मैंने N1 जिसमें मैंने जीरो, और एक वेरिएबल लिया N2 जिसमें वन डाला, यानी कि जीरो और वन दो नंबर तो मैंने यहां पर ले लिए हैं। अब मैं यहां पर एक तीसरा नंबर जो आएगा वो मैं N3 में लूंगा। इसके बाद मैं यहां पर एक वेरिएबल i ले लेता हूं, ये लूप के लिए है, इस तरीके से मैंने यहां पर पूरा एक वेरिएबल का एक स्टेटमेंट बना दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले मुझे N1 और N2 को प्रिंट करवाना है, तो मैं प्रिंट करवाने के लिए लिखता हूं system.out. ध्यान दें मैं यहां पर प्रिंट ln नहीं लिख रहा हूं, मैं प्रिंट लिख रहा हूं, मुझे एक ही लाइन में पूरी सीरीज प्रिंट करवाना है, इसलिए तो मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा N1, फिर मैं एक स्पेस दूंगा, फिर मैं यहां लिखूंगा N2, और फिर इसे मैं बंद कर दूंगा इस तरीके से। तो सबसे पहले यहां पर 0 और 1 प्रिंट हो जाएंगे, इसके बाद मैं लूप लगाऊंगा।
और लूप लगाने के लिए मुझे कंडीशन चाहिए कि मुझे कितने नंबर का एक सीरीज बनाना है, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं और उस वेरिएबल का नेम देता हूं मैं काउंट, और मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 नंबर का एक 5-minute सीरीज बनाना है। तो मैं यहां पर फॉर लूप लगाता हूं और मैं यहां पर जो मैंने आई लिया था यहां पर, ये इस लूप के लिए लिया था और इसे मैं 2 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। और 2 से इनिशियलाइज क्यों कर रहा हूं, 2 से इनिशियलाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 नंबर तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। अब यहां पर मैं कंडीशन में डाल रहा हूं आई लेस देन काउंट, यानी कि हमें जितनी की सीरीज बनानी है उससे कम तक चलेगा क्योंकि शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है। तो 0 और 1 तो हो चुका है, 2 से ये चल रहा है और ये चलेगा 5 तक, तो 5 नंबर की सीरीज हमारी इसी से बनेगी। इसके बाद हम यहां पर इंक्रीमेंट करेंगे इस तरीके से और इसे डिफाइन कर देंगे यहां पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहां पर, इसके बाद हमें यहां पर नया सीरीज बनाना, यानी कि सीरीज बनाने के लिए हमें एक नया नंबर बनाना है। और नया नंबर कैसे बनता है, मैंने कहा था आपसे कि 5-minute सीरीज में ये होता है कि जो भी नेक्स्ट नंबर आता है वो प्रीवियस 2 नंबर का सम होता है। तो प्रीवियस 2 नंबर 0 और 1 है जो n1 और n2 में है, तो हम यहां पे लिखेंगे n1 प्लस n2 और ये किस में आएंगे, ये आएंगे n3 में, यानी कि जो नया नंबर आएगा वो n3 में आएगा, ऐसा मैंने कहा था। तो मैंने n3 में n1 प्लस n2 ले लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी तो जो नया नंबर आएगा यानी कि जो n3 होगा, यानी कि जो n2 होगा वो n1 में जाएगा, यानी कि जो n2 होगा उसको मैं असाइन कर दूंगा किसमें, n1 में, और जो हमारा n3 आया है उसको मैं असाइन कर दूंगा n2 में। तो मेरा नया n1 और n2 यहां पर बन जाएगा। इसके बाद इस फॉर लूप को मैं यहां पर बंद कर दूंगा। इसी तरीके से यहां पर ये जो मेन का स्कोप है इसे बंद कर दूंगा और फिर ये जो क्लास का स्कोप है इसे मैं बंद कर दूंगा इस तरीके से। और यहां पर ये जो एंट्री आया है इसे हम यहां पर प्रिंट भी करवा देंगे इस तरीके से। हमने लिखा यहां पर system.out. और हम प्रिंट एलएन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, हमें एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है। हम थोड़ा सा स्पेस देंगे यहां पर और यहां पर हम इसको प्रिंट करवाएंगे एंट्री को इस तरीके से। अब इस प्रोग्राम के पूरे फ्लो को मैं चलाकर आपको बताता हूं और समझाता हूं कि ये किस तरीके से 5-minute सीरीज हमारा बन रहा है और उस आउटपुट को मैं यहां पर लिखूंगा। देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूशन हमारा यहां से होता है, क्या दिख रहा है, n1 में 0 है, n2 में 1 है। यहां पर हमने काउंट करके एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हमने 5 लिखा हुआ है कि 5 तक हमें काउंटिंग करना है। क्या प्रिंट करवा रखा है, n1 में क्या है, 0। तो सबसे पहले आउटपुट में 0 प्रिंट होगा, फिर स्पेस आएगा, फिर इसके बाद n2 में भी 1 है, 1 प्रिंट होगा। और अभी कर्सर नेक्स्ट लाइन पर नहीं आएगा, अभी ये यहीं रहेगा क्योंकि हमने यहां पर न्यू लाइन नहीं बनाया है, यानी कि प्रिंट एलएन नहीं लिखा है। इसके बाद जैसे ही स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो ये यहां आएगा, यहां आने के बाद इनिशियल पॉइंट देखेगा, इनिशियल पॉइंट में क्या दिख रहा है, आई में 2 है, यहां 2 रहेगा, काउंट हमारा 5 है इस तरीके से। तो क्या 2 जो है, अब ये कंडीशन चेक होगी यहां पर कि क्या 2 5 से लेस है, ऑफ कोर्स 2 जो है 5 से लेस है, ये अंदर आएगा और क्या होगा, n1 प्लस n2। अब n1 में अभी क्या है, n1 में है 0 और n2 में है 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो n3 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। n3 में क्या हो जाएगा, अभी n3 में हो जाएगा 1। अब इसके बाद यहां पर क्या प्रिंट होगा, n3 स्पेस आएगा और स्पेस के बाद n3 में है अभी 1, तो यहां पर प्रिंट होगा 1। अब इसके बाद जो भी n2 में है, n2 में क्या है, 1 है, 1 n1 में चला जाएगा, n3 में क्या है, 1, 1 n2 में चला जाएगा, यानी कि n1 में अभी क्या है, 1 और n2 में भी क्या हो गया है, 1। अब इसके बाद ये यहां पहुंचेगा, यानी कि यहां से अब ये यहां पहुंचेगा और i++ होगा, i++ होगा ना, i में 2 था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 को लेकर यहां पर आएगा,
और चेक होगा कि क्या थ्री जो है वो फाइव से लेस है, ऑफ कोर्स थ्री फाइव से लेस है, अंदर आएगा, अंदर आने के बाद एन वन प्लस एन टू, एन वन में क्या है, एन वन में मैंने बताया कि अभी हमारा नया एन वन जो बना है उसमें वन है, और एन टू, एन टू में क्या है, एन टू में भी वन है, तो वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है। अब एन थ्री में क्या आ चुका है, टू, तो क्या प्रिंट होगा, एन थ्री, एन थ्री में क्या है, टू, तो टू प्रिंट होगा, यानी कि स्पेस, स्पेस के बाद टू इसी लाइन में। फिर इसके बाद यहां पर एन टू में जो है, अभी एन टू में क्या है, एन टू में वन है, तो वन, एन टू में वन है जो एन वन में चला जाएगा, और एन थ्री में क्या है, टू जो एन टू में चला जाएगा, इस तरीके से। तो नया हमारा एन वन और एन टू क्या बनेगा, वन और टू। अब इसके बाद यहां से फिर ये यहां पर जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होगा, तो आई में क्या है, आई में अभी थ्री था, थ्री से क्या हो जाएगा, फोर, और फोर लेकर ये यहां पर आएगा इस तरीके से, और फोर लेकर जैसे यहां पर आएगा चेक होगा क्या फोर फाइव से लेस होता है, जी हाँ फोर फाइव से लेस होता है, अंदर आएगा, अंदर आएगा तो हमारा नया एन वन क्या है और एन टू क्या है, एन वन है वन, एन टू क्या है, टू, वन प्लस टू कितना होता है, वन प्लस टू होता है थ्री, तो हमारा एन थ्री क्या बन जाएगा अभी, थ्री, तो क्या प्रिंट होगा, एन थ्री, एन थ्री यानी कि स्पेस, और यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, थ्री, इस तरीके से थ्री प्रिंट हो जाएगा। थ्री प्रिंट होने के बाद अभी जो एन टू में है, एन टू में टू है तो वो एन वन में चला जाएगा, एन थ्री में थ्री है तो वो एन टू में चला जाएगा, तो नया नंबर क्या बन जाएगा, टू और थ्री बन जाएगा। फिर इसके बाद ये यहां पर जाएगा और बढ़ जाएगा, तो यहां पर अभी क्या था, फोर था, फोर से क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, और फाइव से चेक होगा कि क्या फाइव फाइव से लेस होता है, तो फाइव फाइव से लेस नहीं होता है, तो इन नंबर का भी कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि हमारा कंडीशन तो हो गया फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये यहां से बाहर हो जाएगा, और यहां पर हम गिन लेते हैं कि क्या फाइव नंबर का बना है कि नहीं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। देखिए फाइव नंबर का फाइव सीरीज यहां पर बन चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बात किया फाइबोनैची सीरीज के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और लेक्चर्स मैं आपके लिए बनाऊं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।